नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने यह मुझे प्लान भेजा है और पूछा है कि इसका वास्तु कैसा है, तो इसका विश्लेषण करके बता रहा हूँ मैं आपको। ये पूर्वमुखी प्लान है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रोड ये है। देखिए ये जो है एंट्रेंस तो प्रॉपर है, ठीक है, पर यहाँ जो एंट्रेंस आ गई इस हाल के लिए ये हो गई पूर्व अग्नि की, क्योंकि ये अग्नि कोण हुआ इस हाल के लिए, पूर्व दिशा हो गया, अग्नि कोण की तरफ आ गया ये, तो ये गलत है। और फिर दूसरा ये कट आ गया इसके अंदर, और यहाँ भी पूरा कट है, तो इससे इस जगह का कार पार्क के कारण इस जगह का नॉर्थ ईस्ट कट गया। ये नॉर्थ ईस्ट कटना बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है। और फिर ये कट, और उसमें बोलते हैं कोड़ में खाज, और स्थिति खराब कर दी उसने। दोस्तों जब भी ऐसा कुछ करना तो हमेशा क्या करिए कि ईस्ट में रखना हो तो अब ईशान, ईस्ट में आपको कार पार्किंग भी रखनी है और ईशान कौन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप ये सीधा रखें, एक तो ये कट नहीं होना चाहिए, सीधा रखें, और दरवाज़ा अपने घर में जाने का यहाँ पर ईशान कौन में रखें, यहाँ पर कार इस तरफ पार्क करें, इधर ना करें, इधर पार्क करें कार, इधर करें एक। और दूसरा जो अब कट आता है, क्योंकि आपके पास प्लाट छोटा है, आप आगे ज़्यादा जगह नहीं थोड़ी छोड़ पा रहे हैं और इधर ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ पर आप दीवार बनाइए, लगभग 1.5 फिट की 2 फिट की जितनी गुंजाइश हो इधर से बनाइए, और ऊपर से लटकन दीजिए। यानी क्या होता है कि छत आ गई, छत का ऐसी लटकन दे दीजिए ईंट की, ब्रिक्स की वॉल की, 1.5-2 फिट की कम से कम, तो ये बरामदे का शेप हो जाता है। तो ये कवर्ड हिस्सा, कवर तो करना ही है आपको, छत तो डालना ही है यहाँ तक, यदि बालकनी बन रही तो यहाँ तक छत डालना है, छत डल गई पर इस हिस्से पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपको एक लटकन देना है जिससे बालकनी का शेप बन जाए, तो ये ईशान कोण का कट खत्म हो जाएगा। तो इसको ये देने से और ये देने से एक बरामदे का शेप बन जाएगा, रहेगा आप कार पार्किंग, आपका आप कार पार्क कर सकेंगे पर बरामदे का शेप हो गया, तो ईशान कोण के कट का प्रभाव खत्म हो जाएगा इससे एक। और दरवाज़ा आप यहाँ दीजिए ईशान कोण में, किचन सही जगह पर है, सीढ़ियाँ भी सही हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीढ़ियों के लिए उचित जगह है। अब आप आइए आगे चलते हैं, तो यह दरवाज़ा इन्होंने रखा है दक्षिण अग्नि का, ये दरवाज़ा भी सही है, इधर स्टोर रखा तो कोई बात नहीं, स्टोर रख सकते हैं, दरवाज़ा स्टोर का दरवाज़ा भी सही है, ठीक है, पर स्टोर इसके अंदर व्यवहारिक नहीं, किचन या यहाँ से होके यदि आदमी सो रहा है और स्टोर से सामान निकालना है तो आप न्यू होके न्यू आएंगे, मतलब इनप्रैक्टिकल है, बेहतर होता कि यहाँ रख देते दरवाज़ा, ये रखना था ताकि इसका उपयोग कर सकें, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए गलती और हो रही कि इन्होंने पलंग इस तरीके से लगाया इसके अंदर, और मैं जैसा बताता रहता हूँ कि जब आप लेटे लेटे अपना दरवाज़ा ना देख सकें, दरवाज़ा तो यहाँ पर भी हो, दरवाज़ा यहाँ भी होगा, पर इंट्रेंस डोर यदि आप ना देख सकें तो आप 8 घंटे सोने के बाद भी थके थके उठेंगे। ये एनर्जी कैसे काम करती है ईश्वर ही जाने, पर करती है 100% ऐसा होता है इनको। दूसरा इसमें एक और बात है, जब ये टीवियाँ लगा तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्राइवेसी ख़त्म हो गई आपकी। सही तरीका ये होता है कि आपका पलंग यहाँ होना चाहिए और टीवी यहाँ लगना चाहिए, ठीक है। टॉयलेट सही जगह बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपन एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इधर यदि कट भी आ रहा है तो ये कट की भी कोई दिक्कत नहीं है, वास्तुनुकूल कट, इससे दिक्कत नहीं है। पर इससे यदि ये दरवाज़ा लग जाता तो फिर इस कमरे का ये बढ़ जाता, क्या बोलते हैं आपका, नृत्य कोण बन जा बढ़ जाता है, वो गलत है। यानी इसमें दीवार नहीं, दीवार ये देनी चाहिए इसको, ये एरिया को इसके अंदर ले लेना चाहिए, नहीं तो इस कमरे का नृत्य कोण बढ़ा हुआ माना जाएगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है ना टॉयलेट, इसलिए। तो यहाँ ये गलती है, ये दरवाज़ा सही है, ये टॉयलेट है ओके, ये टॉयलेट का दरवाज़ा यहाँ पर है, और ये वार्ड्रोब और ये डक। अब देखिए ये बिल्कुल सही है दरवाज़ा, इनका मेन गेट यहाँ, ये पलंग बिल्कुल सही लगा हुआ है, टीवी यहाँ प्रॉपर है, प्राइवेसी भी है, कोई यहाँ से देख नहीं पाएगा टीवी में, ठीक है। ये दरवाज़ा बाहर जाना है ये भी सही है, पर यहाँ एक थोड़ी सी कमी है, न्यू देखा है तो बचाव है, एक दरवाज़ा यहाँ और एक दरवाज़ा यहाँ है, तो एक टीवी, ये जो टॉयलेट है एक अलग रूम हो गया, जैसे अलग दूसरे एरिया ये रूम है, दूसरे रूम है, इस तरीके से हो गया, तो हम इसे ईशान कोण का कट नहीं मानेंगे, मतलब पर बेहतर होता, यानी कट नहीं है पर ज़्यादा सही करने के लिए ज़रूरी था। इनको चाहिए था कि ये जो है ये इस टॉयलेट को न्यू लंबा करके बनाते, न्यू करके बनाते, और ये डक्ट यहाँ दे देते, ये डक्ट यहाँ दे देते, इससे क्या होता, इस डक्ट से
इधर भी रोशनी आती, इधर भी रोशनी आती, डक्ट यहाँ आ जाने से दोनों जगह रोशनी आती, और जो ये टॉयलेट का जो दोष है वो यानी कि बराबर हो जाता तो ईशान कोण रूम का भी ना कटता, और एक दरवाज़ा अंदर से दे देते, एक साइड से बाहर से दे देते, यहाँ से दे देते, यानी यूँ बनाते एक दरवाज़ा यहाँ दे देते, एक दरवाज़ा यहाँ हो जाता यहाँ, ठीक है ना, और ये इनका मतलब इसके अंदर आ जाता तो वो दोष भी नहीं रहता और ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ लोग करते हैं जिसके कारण काफ़ी परेशानी आ जाती है, ये बहुत बड़ा दोष है ये, ठीक है ना। बाकी भी जो बताया जो गलत ही है, तो दोस्तों जब भी आप मकान बनाए तो ध्यान रखिए ऐसी गलतियां ना करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। नमस्कार।